हेलो हाय नमस्कार सभी को। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं और कौन कौन इस स्पेशल सेशन में जुड़ा है मेरे साथ। अगर देखिए आपको भी ऐसा लगता है कि एग्जाम टाइम पे एरर कैसे स्पॉट करें, तो आप सभी के लिए ये सेशन आखिर तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें हम करेंगे 5 सेकेंड में एरर कैसे फाइंड करना है हमें, है ना। हमने क्या करना है, 5 सेकेंड में एरर फाइंड करना है। अगर आपका भी चेहरा ऐसा ही होता है एग्जाम टाइम पे कि एरर है कहाँ, है ना, एग्जाम टाइम पर अगर आपका भी चेहरा ऐसा होता है कि एरर है कहाँ, एरर नहीं समझ आ रहा, एरर निकाले कहाँ, ठीक है। तो ऐसे आपके लिए मैं बहुत सारे सेशंस आगे लाने वाली हूँ हर एक टॉपिक से रिलेटेड। आज जो हम कर रहे हैं वो है एक्टिव पैसिव से रिलेटेड, है ना। और अगर वो पहचान लिया तो काफी चीजें आप पहचान जाएंगे। ध्यान देंगे कि जब भी पैसिव वॉइस होती है, सबसे पहले जब आपने सेंटेंस पढ़ा ना, आपको उसमें दो चीजें ध्यान रखनी है। क्या? पहली तो ये है कि अगर बी की किसी भी फॉर्म के साथ, एनी फॉर्म ऑफ बी, अगर उसके साथ V3 है तो वो ऑटोमेटिक पैसिव वॉइस है, ठीक है। एक चीज तो ये हुई। बी की फॉर्म का क्या मतलब है, बी खुद इज एम आर वॉज वर बीन और बींग, ठीक है। अगर इनके साथ अगर आपको V3 दिखती है तो वो ऑटोमेटिकली पैसिव वॉइस है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली पैसिव वॉइस है। लेकिन ये तो हो गया जब आपको सामने सामने सीधी सीधी दी हुई है। लेकिन अगर आपका एरर ही पैसिव वॉइस का है कि सेंटेंस पैसिव वॉइस है, लिखा एक्टिव में, तो हम कैसे पहचानेंगे? वहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट। आप देखेंगे सब्जेक्ट, अगर तो सब्जेक्ट के आगे जो वर्ब लिखी हुई है, जो कार्य हो रहा है, सब्जेक्ट उसका डूअर है। अगर सब्जेक्ट उसका डूअर है तो आपका रहेगा एक्टिव वॉइस, अगर वो काम सब्जेक्ट के द्वारा ही किया जा रहा है। लेकिन सब्जेक्ट अगर उसको काम नहीं कर रहा, किसी और के द्वारा किया जा रहा है, चाहे लिखा ना हो किसके द्वारा किया जा रहा है, तब क्या होगा, पैसिव। अभी मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाती हूं, डोंट वरी, है ना। ध्यान क्या रखना है अगर सब्जेक्ट काम कर रहा है तो एक्टिव, नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है तो पैसिव। देखिए कैसे देखेंगे इस चीज को हम। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले लीजिए एक सेकेंड के लिए। अब हम आगे आते हैं एक बार क्वेश्चंस पर। देखिए क्या है, कंप्यूटर चिप्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन आर प्लांट्स। तो ये जो कंप्यूटर चिप्स हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या कंप्यूटर चिप्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं या कंप्यूटर चिप्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है? तो आपको पता चला इनको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, किया जा रहा है, यानी कि कोई ना कोई तो कर रहा होगा। लेकिन हमें इतना पता है ये खुद मैन्युफैक्चर नहीं हो रही। जब इनको किया जा रहा है तो पैसिव वॉइस होनी चाहिए। चेक कर लीजिए क्या यहां पैसिव वॉइस है। जी बिल्कुल है, बी की फॉर्म के साथ V3 बिल्कुल है, तो ये करेक्ट है, कोई एरर नहीं है। ऐसे ही आप नीचे वाला देखोगे, अगर योर कार विल पॉलिश विद द फाइनेस्ट वैक्स, क्या मतलब, क्या बोलना चाह रहे, क्या ये बोलना चाह रहे कि आपकी कार फाइनेस्ट वैक्स से पॉलिश की जाएगी या आपकी कार पॉलिश करेगी? खुद सोचिए, कार किसी चीज को पॉलिश नहीं कर सकती, कार को कोई इंसान पॉलिश करेगा। तो यहां जो ये योर कार है, ये यहां पे डूअर नहीं है, ये यहां पे डूअर नहीं है, और ना तो यहां था। यहां अगर ये डूअर नहीं है, कार को कोई पॉलिश करेगा, कोई इंसान, उससे हमें मतलब नहीं। इतना हमें पता है ये कार तो पॉलिश किसी चीज को नहीं कर रही, कार को पॉलिश किया जाएगा किसी के द्वारा। तो जब ये पॉलिश वाला काम है तो यहां क्या होना चाहिए था भाई, यहां क्या होना चाहिए था आपका, बी की फॉर्म और प्लस में आपका क्या होना चाहिए था, V3। तो क्या हो जाएगा, ये जो विल पॉलिश्ड है, ये आपका होना चाहिए था विल बी पॉलिश्ड पैसिव वॉइस में, क्योंकि कार काम नहीं कर रही है। तीसरा है, आर पास्ता इज मेक यूजिंग ओनली द फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट्स। हमारा जो पास्ता है भाई, वो बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है, हमारे शेफ्स के द्वारा, किसी के भी द्वारा बनाया जाता है। यानी कि जो ये पास्ता है,
यानी कि जो ये पास्ता है ये खुद नहीं बन जाएगा, कोई इसको बनाएगा, ये डूअर नहीं है, डूअर कोई और है जो होगा शेफ, है ना। तो वही है यहाँ पे, फिर से यहाँ पे क्या होना था, पैसिव वॉइस, यहाँ क्या होनी थी, पैसिव वॉइस। तो यहां पर क्या लिखा है, इज मेक, मेक है वी वन, है ना, तो क्या कर देंगे वी थ्री, है ना, इज मेड। ठीक है भाई, तो पहले वाला आपका सही था, दूसरे वाला आपका गलत, तीसरे वाला आपका गलत, करेक्शन ये रही। ठीक है, अगर आपको समझ आया अच्छे से, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है, खुद से वो काम कर रहा है, तो उसका मतलब है एक्टिव वॉइस। अगर सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है, कोई भी करे चाहे, लेकिन किसी और के द्वारा काम किया जा रहा है, तो वो है पैसिव वॉइस। अगर आपको ये चीज समझ आई तो भाई कमेंट्स में आप इसका आंसर देंगे मुझे, है ना। आपको नीचे कमेंट करना है, कमेंट बिलो, ऑफलाइन वाले में करना भाई, ऑफलाइन कमेंट जब ये वीडियो खत्म हो जाए तब। ठीक है भाई, ऑफलाइन वाले में कमेंट करके बताना यहाँ पे एरर कहाँ पे है, अगर है तो कौन सा ऑप्शन, नहीं तो डी नो एरर कर देना, और अगर एरर हो तो करेक्शन भी बताना। आई होप आपको ये सारी चीजें जो कंसेप्ट बताए वो अच्छा लगा होगा। 5 सेकेंड का है बस, है ना, आपने देखा 5 सेकेंड का है, जैसे ही आप क्या है समझ जाएंगे चीज को, तो ये 5 सेकेंड का एरर है बस। तो ये जो है भाई एक टेलीग्राम ग्रुप है, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे यहां मैसेज कर सकते हो, ई और एन को कैपिटल रखना। क्लासेस की नोटिफिकेशन भी यहां मिलती है, क्लासेस का टाइमिंग है 8 बजे वो कैब, 11 बजे कभी कभी स्पेशल सेशन जो अभी आपका चल रहा है, 2 बजे इंग्लिश कंसेप्ट और क्वेश्चंस दोनों। ठीक है भाई, तो चलिए आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड अटेंडिंग द सेशन, डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, साथ ही साथ कॉमेंट्स ऑफलाइन वालों में आंसर करना मत भूलना। नाउ आई विल सी यू टुमारो ऑन प्रेप कर यूट्यूब चैनल, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।